हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने राहुल गांधी को खतरनाक बताया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी देश को बर्बाद करना चाहते हैं। कंगना का यह भी कहना है कि राहुल गांधी हिंडनबर्ग रिपोर्ट का समर्थन कर रहे हैं जो शेयर बाजार पर हमला थी। अब यह रिपोर्ट फुस साबित हुई है। कंगना रनौत ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कंगना ने राहुल गांधी पर देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वो जीवन भर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहें। कंगना ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी देश की तरक्की, विकास और राष्ट्रवाद को देखकर परेशान हो रहे हैं, वैसे ही उन्हें आगे भी परेशान होना पड़ेगा। कंगना ने आगे लिखा है कि राहुल गांधी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का समर्थन कर रहे हैं जिसने हमारे शेयर बाजार को टारगेट किया है। यह रिपोर्ट एक बेकार की बात साबित हुई है। राहुल इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी ने रविवार को एक वीडियो संदेश में हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चिंता जताई थी। उन्होंने सेबी प्रमुख माधुरी पुरी बुच को पर गंभीर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि विपक्ष के नेता के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके ध्यान में लाऊं कि भारतीय शेयर बाजार में एक बड़ा जोखिम है, क्योंकि शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाले संस्थानों में समझौता किया गया है। राहुल गांधी ने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा था कि यह एक विस्फोट आरोप है, क्योंकि इसमें आरोप लगाया गया है कि एम्पायर खुद समझौता कर चुकी हैं। सेबी की चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है? कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक फुस साबित हुई है। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वह जीवन भर विपक्ष में बैठने की तैयारी कर लें। ऐसे ही कुछ तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।